हेलो एवरीबॉडी, आई एम अभिलाषा। आज हम देखते हैं कि पुश ऑपरेशन, जो हमने स्टैक देखा था, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमारे पास दो ऑपरेशन थे, इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन। इंसर्ट करना मतलब पुश करना, ठीक है, स्टैक में। और दूसरा ऑपरेशन था हमारा पॉप ऑपरेशन। तो हम पहले एल्गोरिथम देखते हैं कि हम स्टैक में कैसे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या ध्यान में बात रखनी है कि हम टॉप, एक हम टॉप नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। टॉप नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है? टॉप हमेशा बता रहा है कि अभी स्टैक में, जो हमारा स्टैक है, स्टैक में अभी सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है। टॉप हमेशा उसको पॉइंट कर रहा है। सपोज़ हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, तो टॉप नाम का जो वेरिएबल रहेगा वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो टॉप 10 को पॉइंट करेगा, दो एलिमेंट है तो टॉप 20 को पॉइंट करेगा। अब यहाँ तीन एलिमेंट है तो सबसे ऊपर कौन सा है? 30, और सिर्फ 30 ही एक्सेसिबल है। ये हमने प्रॉपर्टी में देखा था स्टैक की। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि टॉप क्या कर रहा है। टॉप हमेशा उस एलिमेंट का रिकॉर्ड रख रहा है जो हमारे स्टैक के टॉप पे है, ठीक है। और हम जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम उसको इनिशियलाइज करेंगे -1 से। अब ये -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है कि अभी स्टैक एम्प्टी है। स्टैक हम इम्प्लीमेंट अभी कर रहे हैं, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। ये जो हम एल्गोरिथम देख रहे हैं इसमें हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और एरे का जो इंडेक्स है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस में नहीं होता। एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम टॉप को -1 इनिशियलाइज कर रहे हैं तो मतलब टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने इनिशियलाइज टॉप इज इक्वल्स टू -1 लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर हमको इंसर्ट करना है स्टैक में एलिमेंट, सपोज़ इसका साइज़ है 4, ठीक है, 4 है तो टॉप में ये है, तो टॉप अब किसको पॉइंट करने लगेगा? इस 40 को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो हमको अब क्या, सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर हम पुश करना चाहते हैं, अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं स्टैक में एलिमेंट, तो हमें देखना पड़ेगा क्या स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करने की जगह है या नहीं। अगर स्टैक फुल है तो हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सके, हम नहीं कर सकते। हमें कोई एलिमेंट पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारा टॉप का वैल्यू क्या है? 3 है ना। 3 मतलब यहाँ पे हम किसको लास्ट मतलब भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम ओवरफ्लो, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो, है ना। ओवरफ्लो मतलब बाहर गिर जाएगा एलिमेंट, है ना, जगह नहीं है। तो हमको चेक करना पड़ेगा, अब अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज़ -1 है, मैक्सिमम साइज़ क्या है? 4। मैक्सिमम साइज़ मतलब कैपेसिटी स्टैक की कितनी है? 1, 2, 3, 4, है ना, 4 है। लेकिन एरे इंडेक्स स्टार्ट किससे होता है? 0 से। एरे इंडेक्स स्टार्ट किससे होता है? 0 से। तो अगर 4 एलिमेंट है तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा? 3, 0, 1, 2, 3, तो ये मैक्सिमम इंडेक्स होगा। इसलिए मैक्सिमम साइज -1। तो अगर टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 3rd पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। मैक्सिमम साइज -1, इस केस में मैक्सिमम साइज है 4, 4 -1 मतलब टॉप इज इक्वल्स टू S3 को अगर टॉप पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हम टॉप को क्या बोल रहे हैं? टॉप किसको पॉइंट करेगा? इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और ये बताएगा कौन सा इंडेक्स अभी सबसे ऊपर है, ठीक है। तो अगर टॉप की वैल्यू 3 है तो मतलब स्टैक भरा हुआ है, हम इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना। आपको ऐसे बताना पड़ेगा प्रोग्राम में कि आपको कुछ एलिमेंट डिलीट करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप इंसर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि हम देख रहे हैं अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम साइज़ -1 है, मैक्सिमम साइज़ हमारा 4 है, 4 -1, 3 मतलब टॉप अभी
सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो स्टैक ओवरफ्लो हम मैसेज दे देंगे कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते एलिमेंट, है ना, और फिर हम इस एल्गोरिथम से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर सकते हैं अगर स्टैक भरा हुआ है तो, है ना, क्लियरली। फिर दूसरा कंडीशन, यहाँ तक क्लियर है। स्टेप टू, स्टेप टू क्या बोलता है कि सपोज़ अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, एक एलिमेंट है सपोज, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, तो टॉप किसको पॉइंट करेगा, टॉप पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ज़ीरो को, है ना, एक ही एलिमेंट है, तो हमको क्या करना है, अब हमने फर्स्ट कंडीशन चेक कर लिया कि स्टैक ओवरफ्लो नहीं है, है ना, स्टैक ओवरफ्लो नहीं है, इसमें मैक्सिमम साइज़ हमारा क्या है, 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम साइज़ क्या है, 4, है ना, और 4 - 1 इज़ इक्वल्स टू 3, तो हमने देखा कि क्या टॉप इज़ इक्वल्स टू 3, टॉप की वैल्यू क्या है, 0, तो क्या 0 इज़ इक्वल्स टू 3 है, नहीं, 0 3 के इक्वल्स नहीं है, ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स हमको क्या करना है, टॉप को इंक्रीमेंट कर दो, टॉप इज़ इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, ठीक है, तो हमने किया टॉप इज़ इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, तो टॉप क्या था हमारा, 0, है ना, यहाँ पे 0 को पॉइंट कर रहा है, तो 0 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 1, अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है, तो टॉप इसको ना पॉइंट करके अब फर्स्ट वाली पोजिशन को पॉइंट करने लगा, अब हमको क्या करना है, हमको वेकेंट पोजीशन मिल गई, ये हमें वेकेंट पोजीशन मिल गई, अब इस वेकेंट पोजीशन में हमें क्या करना है, वैल्यू डालना है, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमने यूज़र से एंटर करवाई है प्रोग्राम में, यूज़र ने बोला अब मुझे 20 एंटर करना है, तो हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल लिया, उसमें यूज़र से 20 वैल्यू लेके वैल्यू नाम के वेरिएबल में डाल दिया, अब ये वैल्यू की ये वैल्यू की वैल्यू हमें कहाँ डालनी है, इस वैल्यू की जो भी वैल्यू है जो हमने यूज़र से ली है 20, वो हमें कहाँ डालनी है, एस टॉप में, एस टॉप हमारा क्या है, टॉप की वैल्यू क्या है हमारी, 1, तो हमने डाला 20, इस स्टेटमेंट से किया हुआ यहाँ पे 20 इंसर्ट हो गया, ठीक है, और फिर हमने इंसर्ट कर लिया, और फिर उसके बाद हम एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में देखा था एक बार में हम एक ही एलिमेंट इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, तो इस तरीके से हम एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम और इंसर्ट करेंगे, 2, 3 में इंसर्ट करते जाएंगे, फिर से ये हर बार ये कंडीशन हमारी चेक होगी जब भी इंसर्ट करेंगे, तो अगर पूरे एलिमेंट इंसर्ट हुए तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी, इस तरीके से हमारा इंसर्ट ऑपरेशन काम करेगा ऑन स्टैक। थैंक यू।